युवा जनमिलन नेमिनाथ के अध्यक्ष युवा बी संजीव जैन ने बताया कि इस बार लॉकडाउन के चलते जहां सभी मंदिर बंद हैं, वहीं घर पर ही उनके कार्यकर्ता और सदस्यों ने मंदिरों की तरह पूजा आरती शुरू की है और एक वीडियो भी उनके द्वारा बनाया गया है। यह वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से हम घर पर ही भगवान की पूजा करें और जल्द ही वो दिन भी आएगा जब मंदिर खुल जाएंगे और हम अपने भगवान की भक्ति कर पाएंगे। साथ ही एक बार फिर इंडिया फिर से मुस्कुराएगा। देखिए हमारे संवाददाता की संजीव जैन से की गई बातचीत और वायरल वीडियो। तुझे देखते ही आंख से आंसू बहाएंगे, दो हाथ से सोना रूपा मोती बिछाएंगे, भक्ति बहुत करेंगे और चामर झुलाएंगे, खुद नाचेंगे और सारे भक्तों को नचाएंगे, विजोग की सारी पीड़ा मिटाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार, प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार। मंदिर में भीड़ भक्तों की फिर दिखने लगेगी, तीर्थों में देव लोक सम रौनक भी जगेगी, संघों में तपस्याएं और क्रियाएं बढ़ेंगी, घर घर के द्वार रोशनी की माला चढ़ेगी, तेरी शक्ति से संकट को हम हराएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार, प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार। वर्तमान समय में चल रही दुविधाओं कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को पाठशाला के माध्यम से प्रतिदिन देव दर्शन का नियम दिलाया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में हम कोरोना महामारी के संकट के कारण 2 महीने से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। तो इस दुविधा को हमारे जैन मिलन युवा नेमनाथ के युवा वीर सदस्यों के द्वारा एक वीडियो के माध्यम से संदेश पहुंचाया गया है कि हे भगवान, हम सब एक दिन आपके मंदिर में अवश्य आएंगे और पहले की भांति पूजन अभिषेक एवं दर्शन करेंगे और धर्म लाभ लेंगे। जय जिनेंद्र।